Hello students, welcome back to Physics Lab. And in this module you are going to understand about sound. Sound is a very interesting thing to understand. So कितना interested है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है. और 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे साउंड में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कुछ भी है आपको समझने के लिए. तो सबसे पहले हम साउंड से स्टार्ट करते हैं. तो साउंड क्या है, कैसे बनता है, इस वीडियो में केवल हम यही बात को डिस्कस करेंगे. साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है. क्या करता है? विच मेक्स अस हेयर, जो कि हमें सुनने लायक बनाता है. किसी चीज को हमें सुनाता है. क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है? जो हमें कोई चीज सुनने योग्य बना देता है. ठीक है, जो हमारे कान में एक सेंसेशन करता है, जिससे ईयर ड्रम मिलता है और हमको आवाजें सुनाई जाती हैं. ठीक है, वो आवाज क्या है? वो आवाज सिर्फ एक एनर्जी है. ये साउंड बनता कैसे है? सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको आवाज आ रही है. आपका जो माइक है या सॉरी आपका जो मोबाइल है या आप लैपटॉप पे देख रहे हो या आप जिस चीज पे भी देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, उस चीज में से भी आपको आवाज आ रही है. उसमें ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से साउंड बनता है? तो साउंड बनने के लिए एक ही चीज की जरूरत है. दिस इज वाइब्रेशन. साउंड इज क्रिएटेड व्हेन समथिंग इज वाइब्रेट. जब भी कोई चीज हिलती है तो साउंड बन जाता है. जैसे आप अपने कान के पास हाथ हिला के देखिए, अभी क्या हो रहा है? हाथ हिल रहा है, हाथ वाइब्रेट कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है. तो ये ही साउंड को क्रिएट कर रहा है. आपने कभी ड्रम देखा होगा, जब ड्रम को बीट किया जाता है, जब ड्रम की स्किन पर वो स्टिक पड़ती है, तो ड्रम की जो स्किन होती है वो अंदर दबती है, फिर बाहर आती है, अंदर बाहर अंदर बाहर. वो इतना ज्यादा तेज करती है कि हमको एक बड़ी सी आवाज आती है, बूम. ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है. साउंड कैसे क्रिएट होता है? साउंड इज क्रिएटेड व्हेन समथिंग इज वाइब्रेट. अच्छा, साउंड कैसे चलता है? हाउ डज द साउंड ट्रेवल? सोचने वाली बात है यार कि साउंड चलता कैसे है. ठीक है, तो साउंड कैसे चलता है? साउंड चलता है इन फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में चलता है. अभी आपको शायद नहीं पता होगा कि वेव क्या होते हैं, है ना? तो अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड हम ज्यादा डीपली नहीं लेंगे, हम वेव्स को आपको पढ़ाएंगे 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन 12th में 11th में पढ़ाएंगे. लेकिन फिलहाल हम आपको थोड़ा सा उसके लिए बेसिक दे देते हैं. ठीक है, तो वेव्स क्या होती है? वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन मीडियम. वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम. वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं. वेव क्या है? वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वेव जो है किसी भी एक मीडियम के अंदर वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है, जिसमें वो वेव जो है एनर्जी को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई विल शो इन पिक्चर, तो वेव क्या होती है? आपने कभी पानी है, एक स्टिल वाटर है, उसमें जब कभी आपने एक पेबल बोलते हैं पत्थर रोड़ी को फेंक देते हैं, तो आपने देखी होगी एक वेव बनती है. ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस हुआ,
This is called waves. So the types of the waves are very important for learning, and you will find it in our next video. So please share, like, and subscribe our channel Physics Live. Thank you very much for watching me.